हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी, दिन है संडे का, तारीख है 7 अगस्त और सुबह के 7 बज गए हैं। और यहाँ पर जो है मैं लगा रही हूँ मशीन, चाय पानी हमने पी लिया, थोड़ी घूम फिर ली और मैंने सुबह की जो अपनी दवाई है वो दे दी है। मशीन कपड़े थोड़े से हैं, लेकिन वही बात है ना, मौसम का हिसाब देखना पड़ता है। अगर मौसम सही है, धूप निकली हुई है, तो मान लो डेली निकलती है धूप, तो इंसान सोचे भी आज नहीं तो कल लगा ले। लेकिन क्या, स्कूल की ड्रेसेस भी थी, टावल वगैरह भी सारे थे, 2 बेडशीट हो गई थी और नॉर्मल कपड़े तो बस सबके 2-2 जोड़ी थे, क्योंकि 2 दिन पहले कपड़े धुले ही थे। और ज़्यादा कपड़े होने से क्या होता है, एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और ऊपर से क्या होता है, धूप भी नहीं निकलती है तो वो सूखने में भी नहीं आते। वो 2-3 दिन तक कभी उनको इधर फैलाओ, कभी उनको उधर फैलाओ। तब तक जो फर्स्ट लोड में मैंने वाइट कपड़े डाल दिए हैं, उसके बाद जो है तब तक मैं पानी वगैरह भर के रख दूंगी। अब जाऊंगी मैं नीचे थोड़ा बहुत ऊपर का काम ख़त्म करके, और आज मैं आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी भी शेयर करूंगी, अपना एकदम देसी स्टाइल में जो हम बनाते हैं ना खाना, उसकी कुछ एक स्पेशल सी रेसिपी जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों की शिकायत भी, कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि आप सिर्फ दाल वगैरह बनाते हो और कुछ नहीं दिखाते हो। जी, मैं दिखाती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन वही बात है ना, पहले एक फ़ोन की, पहले मेरे पास 2 फ़ोन थे तो मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती थी। पहले मैंने बहुत रेसिपीज़ शेयर करी हैं, लेकिन अब बीच में एक ख़राब हो गया था, तो अभी जो है 2 फ़ोन हो गए हैं वापस, तो अभी मैं रेसिपी ज़रूर शूट करूँगी। अच्छा, ये वो चुन्नी वगैरह मैं चेक कर रही थी, ये 2 सूट जो है वो मैंने सिलने के लिए दिए हुए हैं, बस बुधवार तक जो है वो मिल जाएंगे, सिलकर आ जाएंगे। तो ये दोनों सूटों की चुन्नी कैसी है मैं ये चेक कर रही थी, और चुन्नी बहुत अच्छी है। ये ब्लाउज़ जो है मुझे रखना है, सिलकर आ गया था। अभी चलते हैं नीचे, एक स्लोट जो हमारा कंप्लीट हो गया है और दूसरा स्लोट जो है अभी चलेगा। अच्छा, अभी ना कुछ कमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना बहुत ही ज़रूरी कमेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। 2 दिन पहले कमेंट आया था, लेकिन मैं कल ना भूल गई थी उनको जवाब देना। उनको कहना ये था कि उनको ना फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो है उनका स्वभाव जो वो चिड़चिड़ापन सा हो गया, बात करो पर उसको जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो प्लीज़ दी कोई सॉल्यूशन बताइए। पता है मेरे हालत भी बीच में ना कुछ ऐसी हो गई थी, बात पे गुस्सा आना और टेंशन लेना हर चीज़ के लिए, काफ़ी कुछ जो है ऐसा मेरा जो वो हो गया था। लेकिन क्या ना, जितना हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे ना, जितना उन बातों पर हम ध्यान देंगे, लोग हमें जो है उन बातों पर उतना ही ध्यान, बार बार में उसी चीज़ को लेकर परेशान भी करेंगे और बार में हमारा जो ध्यान उसी तरह जो जाएगा। तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, किसी की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखना और बस खाओ पियो और मस्त रहो। कोई भौके, कोई बोले फालतू में, उसको बोलने दो। बेतुका किसी की बात नहीं सुननी। मैं पहले बहुत सबकी सुनती थी, उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में जो है वो चली गई थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो मेरा हो गया था। मतलब हर बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया था। और मेरा तो क्या था कि साथ में बच्चा भी था, छोटा बच्चा था, साथ में दादी सास भी थी, घर का इतना बड़ा काम, बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता था। और शुरू में जब शादी होती तो चीज़ों को लेकर एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरे घर में जाते हैं तो वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है क्या है। और एक अगर आप शहर से गाँव में जाते हैं, आपकी शादी गाँव में अचानक हो जाती है, शहर से आप जाते हो, चीज़ों को लेकर वैसे आइडिया नहीं होता कैसी क्या कुछ जो करना होता है। तो बस कोई बात नहीं, सिचुएशन जैसी होती है ना, बस इतना है कि लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान कभी मत दो, कभी भी, क्योंकि लोग ना आपको 100 में से ये कहते हैं ना कि अपने हाथ की 5 उंगलियां ही बराबर नहीं होती, 100 में तो आप ये 1000 और 100 में से लोगों में से जो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सही राय देंगे ना, तो ना कि आपको जो है वो, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं ऐसे कि जो सही राय देते हैं, को ना तो कोई भी सही राय नहीं देता है, इवन टेंशन देने के लिए जो है आपको रेडी रहते हैं। तो लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, अपना खाओ पियो मस्त रहो, बस इतना सा है। अच्छा, एक ना कल कमेंट आया था दी, आपके घर में जो ये ग्रीन कर्टन जो लगे हुए हैं ये जो है वो हॉस्पिटल की फीलिंग दे रहे हैं। तो जी, ये ग्रीन कर्टन जो है, ये ग्रीन पता नहीं इसमें दिख रहे हैं ये वाले मेहंदी, ज़्यादा जो गाढ़ा रंग होता है ना मेहंदी का, वो वाले कर्टन है। लेकिन ये कर्टन जो है वो धीरे धीरे जो है मैं सोच रही हूँ, इनमें कुछ इनको हटाऊँगी तो नहीं, लेकिन चेंज का ऐसा है कि इसमें चलो मान लो वाइट कर्टन मिक्स कर दिए या कुछ ऐसे, मतलब इसके कलर कॉम्बिनेशन से मिलते जुलते कर्टन जो इसमें मिक्स कर दिए, कुछ इस तरह के कर्टन का मिक्स एंड मैच करने का जो वो मैं सोच रही हूँ। तो अभी जो है यहाँ पर मैं काट रही हूँ पालक काट कर जो अच्छे से छोटी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पालक को जो है ऊपर के डंठल काट के धो के और डायरेक्ट कुकर में जो उबलने के लिए रख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता, छोटी छोटी बारीक बारीक जो हम पालक काटते हैं।
दो पालक थी एक जुटी मैंने काट ली है और उसको 5-6 बार अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद जो है अभी इसको जो है कुकर में डाल दूंगी और 4-5 जो है वो सीटियाँ लगवा दूंगी। आधा गिलास इसमें मैंने जो वो पानी डाल दिया है। तो जी अभी सीटियाँ लगवा के जो है तब तक मैं अपने बाकी के छोटे मोटे काम है जैसे बेड वगैरह सेट करना है, झाड़ू वगैरह निकालना, और भी काफ़ी सारे काम है वो सारे काम करूँगी। और ये ना कल कमेंट आया था दी इस तेल को ना आप किसी बोतल वगैरह में निकाल लो, तो जी तो बोतल तो कोई थी नहीं, मैंने इसको ना पहली इससे पिछली बार भी इसी जो ये मेरी 3-3.5 लीटर की 4 लीटर की ये डोली है तो इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने। थोड़ा बहुत रह गया है अभी इसमें पीपी में, तो वो तो यूज़ करके बाद में इस जो है या फिर डोली को यूज़ करती जाऊँगी, जैसे डोली थोड़ी खाली हो जाएगी उसमें और मैं जो वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। वरुण चला गया ट्यूशन, आज संडे के दिन भी उसका ट्यूशन था, और हिमांक के पापा घर पर ही हैं तो वो भी अपने किसी काम से गए हैं बाहर। और हिमांक यहाँ पर जो है अपनी कभी पढ़ाई कर रहा, कभी ड्राइंग कर रहा, कभी कुछ, मतलब अपने आप को जो है मैंने उसको बिजी करके जो है वो रखा हुआ है। अभी निकाल लेते हैं झाड़ू, और झाड़ू के साथ साथ तब तक मेरे बीच में काफ़ी सारे स्लॉट जो है वो धुल गए थे। मैं क्या करती हूँ जब बीच बीच में से काम करती रहती हूँ, स्लॉट निकालती रहती हूँ, निचोड़ती नहीं हूँ। निचोड़ने में जो है जब सारे स्लॉट जो लास्ट वाला स्लॉट जो मेरा जो चलता है ना मशीन में, तब जाके जो है मतलब मैं कपड़े जो है वो निचोड़ना शुरू कर देती हूँ। और इसी तरह मैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ और अपने सारे काम को टाइम से मैं मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ रायता ये पालक का, और मैं इसमें जो 2 लहसुन की मोटी मोटी कलियाँ जो वो कूट ली है, साथ साथ में जो रायते को मतलब सॉरी पालक को इतना कूटना है, पानी निचोड़ लिया इतना कूटना है जैसे हम मिक्सी में जो करते हैं ना एकदम वो बना देते हैं, एकदम पतला पतला हो जाता है कूटने से मिक्सी में अगर वो करते हैं तो वैसा ही इसको ज़बरदस्त वाला कूटना है। ये देखो बहुत ही बारीक जो है वो कूट दिया है। अब इसको जो है इसमें से निकाल कर हाथ से इसको मिक्स करेंगे, इसमें नमक मिर्च जो कुछ भी आपको मिलाना है वो सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। आज हरी मिर्च नहीं मैंने कूटी है क्योंकि लाल मिर्च डालेंगे बच्चों को मुँह में जो है हरी मिर्च का जो टेस्ट वो डायरेक्ट आएगा, फिर बच्चे खाएंगे नहीं। तो अब ये देखो बिल्कुल दही को भी अच्छे से फेंट लिया है और हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पतला कर ले इसको, दही वगैरह थोड़ी या लस्सी कुछ है आपके पास तो वो ऐड कर ले। नमक मैंने इसमें डाल लिया था, थोड़ी सी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें घी का तड़का जो है, घी और जीरे का जो तड़का है जो वो लगाएंगे। क्या है कि एक तरफ जो है मैंने ये चम्मच में मैं लगाऊंगी, तड़के वाला पैन मेरे पास है नहीं तो यहाँ पर घी मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। साथ साथ में जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें डाल दूंगी जीरा, और जीरा धीरे धीरे पकते पकते जो है वो एकदम काला काला सा जो हो जाएगा उसका टेस्ट ना एकदम डिफरेंट आता है। तो बस अभी जो है ये हमारा जीरा भी हो गया बनके रेडी, और फूक मार के इसको आग को बुझा देंगे, और ये आग जो लगती है ना इसका टेस्ट ही डिफरेंट जो है वो आता है। तो बस अभी इसको ढककर छोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए रायता हमारा जो है बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त एकदम देसी विलेज स्टाइल में रायता हमारा जो है वो बनकर हो गया है रेडी। और अब बारी आती है कपड़े निचोड़ने की। सारे कपड़े मैंने स्लॉट मेरा लास्ट वाला जो है वो रहता है, तो लास्ट वाले स्लॉट में तब तक जो है मैं बाकी के कपड़े भी जो है वो निचोड़ लूँगी। और क्या होता है ना बाल्टी वगैरह टब वगैरह पानी की सारी जो है मैं पहले भरकर रख लेती हूँ। जब सुबह खासकर जिन कपड़े धोने होते हैं ना सुबह पानी आता है सप्लाई का जो पानी आता है ना उसी में मैं सारी चीज़ें भर के रख लेती हूँ। इसमें टंकी भी भर जाती है साथ साथ में एक्स्ट्रा पानी भी स्टोर हो जाता है। तो क्या होता है ना कि जब मुझे निचोड़ने होते हैं तो मुझे पहले मैं पानी भरूँ उसके लिए टाइम वेस्ट हो, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। सुबह सुबह भर के ही जो मैं रख देती हूँ, जैसा मेरा टाइम जो मुझे बनता है ना चीज़ों को लेकर वैसा मैं अपना काम जो है वो ख़त्म करती देती हूँ। क्या होता है ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही जब हम अपना टाइम बचाते हैं ना तो सारे काम जो है वो टाइम से अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, नहीं तो फिर वही बात है काम जो है बहुत ज़्यादा लंबा खींचता है। जिस दिन कपड़े वगैरह धोने होते हैं ना उस दिन बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या अभी सोच रही हूँ कि मैं या तो मैं दिवाली पे लूँ, आज वैसे भी पता नहीं ये धीरे धीरे वैसे चल रही है, पता नहीं आज कहीं ख़राब ना हो जाए वैसे लग रहा था मेरे को कि क्योंकि कपड़े धुलते धुलते लास्ट में बहुत ही स्लो जो है वो चलनी शुरू हो गई थी। अभी जो कपड़े साथ साथ में जो धुल रहे हैं उनको साथ साथ में सुखाती जाऊंगी। और कुछ कपड़े तो यहीं जो हैवी वाले कपड़े हैं ना जैसे वर्दी है, जीन्स है, या मेरे सूट वगैरह, ये सारे कपड़े बच्चों की निक्कर वगैरह, बच्चों की पैंट है या पजामी है वो सारे यहाँ पर डाल दूंगी। एक दो टी शर्ट भी डाल दूँ क्योंकि अभी हवा नहीं चल रही है, जब हवा चलनी शुरू हो जाएगी तो ये कपड़े जो है मैं उतार दूंगी। क्योंकि क्या होता है जब हैवी कपड़े होते हैं, मान लो जीन्स वगैरह हैं, सूट है या बच्चों की पैंट है, उस तरह के कपड़े हैवी होते हैं तो हवा के बट से वो नीचे गिरते नहीं हैं। तो ये देखिए लगभग मेरे सारे कपड़े जो है वो निचुड़ गए हैं, और आज तो मेरे 2 बेडशीट भी थी, 4 तौलिए भी थी, काफ़ी सारे कपड़े थे जो वो आज मेरा जो है
और देखते देखते बहुत सारे कपड़े जो इकट्ठा हो गए थे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी जो है टाइम बज सुबह के बज गए हैं 11:30। काम मेरा अभी ख़त्म हुआ है, सारा का सारा कपड़े वगैरह धुल दिए हैं, अभी सुखाने बाकी हैं, घर का सारा काम फिनिश हो गया है और खाना वगैरह भी बन गया, बना दिया, खा भी लिया, नहा ही नहीं हूँ अभी क्योंकि कपड़े धो रही थी मैं, गीली हो गई हूँ अभी, बच्चों को नहला चुकी हूँ, खाना वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, बस अभी जो है मैं नहाऊंगी, कपड़े वगैरह सुखाऊंगी और सारा काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। अच्छा, कल जो वीडियो डाली थी उस पर जो है काफ़ी सारे कमेंट आए, बहुत सारे जो व्यूवर हैं उनको बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो हो गया कि आप प्रेग्नेंट हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो प्रीति है उसकी देवरानी यानी प्रीति के जो देवर है उनको बेटा हुआ है, तो उसी का जो प्रोग्राम यहाँ पर करा गया था, नीचे जो है खाना वगैरह बनाना, हलवाई का सारा काम जो है, खाने का काम, टेंट का सारा काम जो है वो नीचे था, तो बस ये था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, अभी 11 दिन परसों की बात है, तो 12 दिन पहले इनको बेटा हुआ था, तो ये वाली सारी चीज़ें थी। अच्छा, एक चीज़ जो है अभी जो है बस व्लॉग एंड करूँगी मैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और रायते की रेसिपी जो है वो देसी स्टाइल में विलेज का जो रायता होता है वो मैंने रेसिपी शेयर करी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए, आप मेरे सारे व्लॉग्स जो है वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।